गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ऑडिबल. इफ आई एम ऑडिबल ऑडिबल प्लीज रेज योर थंब. ओके ओके, सेट एंड कंफर्टेबल. बैक स्ट्रीट, रोल योर शोल्डर बैक, बोथ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, जेंटली क्लोज योर आईज, टेक अ 2 to 3 टाइम लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ. 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए. And slowly exhale. Again, inhale. Slowly exhale. Again, एक बार लंबी गहरी सांस भरिए. And slowly exhale. Now we will do 3 times om chanting. And 1 time Gayatri mantra. Take a deep breath. Join your palms. We will do 1 time mantra. Om Bhuvah Swaha Tat Savitre Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo यो नः प्रचोदया. स्लोली रिलीज योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड मेक अ ज्ञान मुद्रा ऑन योर हैंड्स. टेक 1 टाइम लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ. एक बार लंबी गहरी श्वास भरी. श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को, अपने फेस को रिलैक्स करें. Now first we will do Bhastrika Pranayama. Inhale, raise your arms. Exhale. Inhale. Exhale. 10 times tak continue kari. After 10 times, slowly hands down and relax. And feel the changes in your breath. अपनी श्वासों में हुए बदलाव को महसूस करें. अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें. अपने मन को शांत करें, रिलैक्स करें. अपनी बढ़ी हुई ब्रीदिंग को रिलैक्स करें. आपके फोरहेड पे, शोल्डर्स और हैंड्स में जो भी स्ट्रेस है, या आपके पाम्स में लाइटली सेंसेशन हो रही है, उन सभी चीजों को महसूस करें. आपके मन में अभी बहुत से विचार आ रहे होंगे और आगे भी आएंगे. उन सब विचारों को कोशिश करें दूर रखें. उनमें से किसी भी विचार पर ध्यान न दें, केवल अपनी सांसों की ओर ना लगाएं. भस्त्रिका प्राणायाम से हुए बदलाव को, हुए चेंजेस को महसूस करने की कोशिश करें.
नॉन एक्सेल टू अलोम विलोम प्राणायाम मेकअप प्रणाम मुद्रा होल्ड योर इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ब्लॉक योर राइट नोज थ्रू इनहेल थ्रू द लेफ्ट नोज थ्रू नाउ ब्लॉक योर लेफ्ट नोज थ्रू एक्सहेल थ्रू द राइट नोज थ्रू अगेन इनहेल थ्रू द राइट नोज थ्रू Exhale to the left nostril. इसे कंटिन्यू करें. हर बार लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें. पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं और कोशिश करें जब आप ब्रीदिंग या ब्रीद आउट करें तो कोई भी साउंड क्रिएट ना हो, केवल लंबी गहरी सांस भरने का प्रयास करें और बहुत ही धीरे एकदम स्लोली सांसों को छोड़ें. लास्ट 30 सेकेंड तक इसे कंटिन्यू. धीरे से हाथ नीचे रिलैक्स स्लोली हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स नाउ अगेन फील द चेंजेस अपनी श्वासों में हुए बदलाव को महसूस करें मन को शांत रखें अपने विचारों को दूर करने की कोशिश करें Try to ignore your thoughts and don't focus on your thoughts. अब अपने पूरे शरीर को आंखें बंद करके देखिए आप कैसे बैठे हैं कहाँ बैठे हैं आपके आस पास किस प्रकार की ध्वनि आ रही है आपके शरीर से क्या क्या चीजें टच हो रही हैं उन सभी चीजों को महसूस करने की कोशिश करें इससे आपका मन शांत होगा आपके मन के विचार भी दूर होने की कोशिश में होंगे अब धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान को अपने नोज के टिप पे लगाएं Focus on the tip of your nose. If it's not possible, then raise your right index finger and gently close to you. अपने नोज के पास लेके आए एकदम और उस पे अपने ध्यान लगाएं. इंडेक्स फिंगर के थंब पे अपना ध्यान लगाएं. आपके फोरहेड में आईब्रोज में लाइटली सेंसेशन होगी उन सेशंस को इग्नोर करें सेंसेशंस को अपने फोरहेड पे सेंसेशंस को फील करें उन्हें रिलैक्स करें अगर आपकी आंखों में या फोरहेड में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है स्ट्रेस आ रहा है तो
तो आप उसे आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करें और फिर से कंटिन्यू करें। धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद, थोड़ी देर रिलैक्स करें अपनी आंखों को, फोरहेड को। फिर से अगेन ओपन योर आईज एंड फोकस ऑन द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। ना होल्ड हियर, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें और अपना ध्यान अपने इंडेक्स फिंगर पे लगाएं। और कोशिश करें आंखें ना झपकाएं। बाय डोंट ब्लिंक योर आईज, ओनली फोकस। इफ यू फील एक्सेस स्ट्रेस या आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आंखें बंद करके उसे रिलैक्स करके फिर से कंटिन्यू करें। धीरे से आंखें बंद एंड रिलैक्स। Gently close your eyes and relax। अब अपने फोरहेड को, आईज को रिलैक्स करें। आपके फोरहेड में लाइटली सेंसेशन हो रही है, आपकी आंखों में या आईब्रोज में, किसी भी जगह अगर सेंसेशन सी है या स्ट्रेस सा है, तो उस पर ध्यान देके उसे रिलैक्स करें। धीरे से आंखें खोलें और अपने आईब्रो के बीच में ध्यान लगाने की कोशिश करें। जेंटली ओपन योर आईज एंड फोकस ऑन योर भूमध्य या भृकुटी या अपने आईब्रो के सेंटर में देखने की कोशिश करें। आपके फोरहेड में, आईज में स्ट्रेस आ रहा होगा, लाइटली सेंसेशन हो रही होगी, उन सभी चीजों को अवॉइड करके उसे रिलैक्स करें। धीरे से आंखें बंद करके रिलैक्स करें। Gently close your eyes and relax। Now again open your eyes। फिर से आंखें खोलनी और वहीं पर अपने आईब्रो के सेंटर पर देखने की कोशिश करें, उसे कंटिन्यू वहीं देखते रहें। कोशिश करें आंखें ना झपकाएं। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं, एक फ्लो में दोनों आंखों से, देन आंखें बंद करके रिलैक्स करें।
धीरे से आंखें बंद करके रिलैक्स अपने फोरहेड को, रिलैक्स करें आईज को, रिलैक्स करें ब्रीदिंग को, नॉर्मल करें एक आखिरी बार करेंगे, पर पहले अपनी आंखों को, अपने फोरहेड, आईब्रोज, इन सभी चीजों को रिलैक्स करें। एक आखिरी बार करें, आंखें खोलें और फिर से अपने ध्यान को अपने आईब्रो के बीच में लगाएं। इससे आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपका मन शांत होता है। धीरे से आंखें बंद एंड रिलैक्स। अब अपनी फोरहेड को, आईज, आईब्रोज, फेस, सभी चीजों को रिलैक्स करें। ब्रेन, फोरहेड, आईब्रोज, आईज, चिक्स, नोज, चिन, इन सभी चीजों को रिलैक्स करें। अब अपने फिंगर्स के टिप से फोरहेड पे टैप करें, जेंटली टैप ऑन योर फेस। अपने आईब्रोज को इंडेक्स फिंगर्स और थंब से प्रेस करें। Slowly hands down, relax. Now join your both palms together. We will do one time Om and one time mantra. Take a deep breath. Om. Asito ma sadgamaya. तम सोमा ज्योति कमय मृत्योर्मा अमृतं कमय। ओम शांति 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 ही। नाउ रब योर बोथ पाम्स टुगेदर, create a heat in your palms and gently apply on your eyes, on your face, neck, shoulders, hands, and full body part. Thank you, everyone. Have a nice day. Have a nice day. आपका कोई Thank you, सवाल है have आप a पूछ nice सकते day. हो। Thank Thank you. you. Good Good evening for morning. you. Good morning. Thank you. Nice section. Thank you, ma'am. मैम एक बात करनी है, ये जो आप Yes. बोलते हैं आंखें खोल के नोज की टिप में देखने हैं, उसमें तो फिंगर का सही रहता है, जब फॉरहेड पे मिडल में देखने का है उसमें तो थोड़ा सा आंख। आंखें भटकती होंगी आपकी. हाँ, हाँ पर अगर आप फिंगर्स का यूज करेंगे तो वो आपके आईब्रो से बहुत ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं हाँ उस टाइम पे फिंगर्स का यूज नहीं करवाती. मैं कोशिश करते हैं कि आप ट्राई करें कि आप आईब्रोज को थोड़ा सा साथ में लेके आएंगे, तो आपका थोड़ा ध्यान यहीं पे रहेगा, आपका जो स्ट्रेस है
जो जो भी सेंसेशन है वो आपको आईब्रोज के बीच में ही फील होगी, पर अगर आप फिंगर्स यूज करेंगे ऐसे तो उससे आप खुद फील करिए, वो चीज फील नहीं होगी अगर आप आईब्रोज को स्क्वीज करके करेंगे। ओके नहीं, दूसरा क्या, आंखें ब्लिंक नहीं होती है जब आंखें खोलते हैं? आंखों में जैसे थोड़ा बर्निंग, थोड़ा नहीं टीयर्स हाँ हाँ आना, लाइक हाँ पर हाँ टीयर्स वो बाहर नहीं ओके आते हैं, अंदर ही फील होते हैं। ऐसा फील होता होगा, लाइकली जलन हाँ सी फील हो रही होती हाँ होगी हाँ आपको। हाँ इट्स अ हाँ हाँ नॉर्मल, क्या होता है कि हमारी आंखों में या तो बहुत स्ट्रेस होता है या लाइक गंदगी कह सकते हैं आंखों को, उन सभी चीजों के ओके लिए, हाँ उन सभी चीजों को रिलीव करने के लिए ही ये एक्सरसाइजेस हैं आंखों की, ओके जो भी चीजें हो रही हो, कुछ गलत ना हो जाए, लाइक आंखों में दर्द ना हो जाए या जो भी पेन है या स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए ये सारी चीजें हैं ओके और 330 भी आपका ही सेक्शन है मैम? जी। तो सपोज यही आपने मॉर्निंग का अटेंड कर लिया, रिपीट कर सकते हैं दिन में 2 बार कि नहीं? इस बारे में मुझे पता नहीं है कि ओके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, आप एक अच्छा बार मैम से पूछ लीजिएगा। ओके। और ये 3 मंथ के बाद रिन्यू करने का, तो उदी जो आपका है उसी में लाइव में जाके करने का? हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक ओके थैंक यू यू। मैम। एक हाँ बार वो करके दिखाइए थोड़ा, वो आईब्रोज के बीच में आप कैसे करते, मुझे देखना है। आईब्रोज के बीच में ना ऐसे देखते हैं, अच्छा, आंख ऊपर करके। हाँ आंख ऊपर, आप जब आईब्रोज के पास देखने की कोशिश करेंगे ना आपकी आंखें खुद ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ टर्न कर जाएंगी। बस ये होगा कि एक आंख आपकी ज्यादा पास होगी, एक थोड़ी सी दूर। क्योंकि बहुत स्ट्रेस आ रहा था मैं मैम। हाँ वो बहुत स्ट्रेस आता है जब आप आईब्रोज के बीच में देखते हैं, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, हमारी ब्रेन से रिलेटेड चीजों को एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सरसाइजेस हैं आईज की, जो आपकी वो फोकस स्ट्रेस आने से कैपेसिटी ये नॉर्मली बढ़ाती है ना है। मैम? हाँ ये नॉर्मल है, बस अगर सहन से ज्यादा हो, अगर आप उसे नहीं सह सकते हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, देन आंखें बंद करके रिलैक्स करिए और फिर से कंटिन्यू करिए 3 to 4 time, इट्स नॉर्मल। थैंक ओके मैम थैंक यू। और ना यू मैम, थैंक यू। नींद आ रही थी बहुत, मतलब जब मेडिटेशन करती हूँ ना नींद आती है। हाँ एक तो ये मॉर्निंग का टाइम है थोड़ा सा, इसलिए भी थोड़ा सा नींद जैसा फील होता है, और अच्छा मैं इसलिए कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी एक्टिविटीज कराएं ताकि नींद ना आए। अगर मैं आपको एकदम शांत होके बैठने के लिए कह दूंगी या किसी भी चीज पे ध्यान लगाने को, तो आपको नींद आ जाएगी और आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज से इससे आप ध्यान लगा सकें, ध्यान वाली चीजें आपके अंदर हो सकें, इसलिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज कराते हैं नींद को अवॉइड करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू, नाइस सेशन। ओके थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम। यू मैम, थैंक यू एवरीवन।